हे एवरीवन, दिस इज जागृति. गुड मॉर्निंग. कल मैं एक्चुअली कर रही थी, फर्स्ट टाइम आई ट्राइड पेंटिंग लैंडस्केप. तो मेरी पेंटिंग आधी थी, आधी क्या, ऑलमोस्ट फिनिश हो गई थी, बिकॉज इट्स अ स्मॉल कैनवस. बट आई हैव दिस गाय बेबी बेबी से हाय बेबी से हाय बेबी दिस गाय रोन माई पेंटिंग. इसने मेरी पेंटिंग बर्बाद कर दी है. आई शो यू सो दिस इज माई पेंटिंग. वेलकम बैक टू माई व्लॉग. एंड आज क्रिसमस है, तो वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट. एक्चुअली लास्ट मोमेंट सेलिब्रेशन का प्लान हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं आई गेस एम्बियंस मॉल और मे बी समवेयर एल्स. वील बाय सम गिफ्ट्स, वील बाय केक एंड वील सेलिब्रेट. तो हम लोग निकल पड़े हैं एम्बियंस के लिए. दोपहर हो गई, वैसे तो हम बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि जो छोटा बच्चा सो गया था, छोटे बच्चे को नींद आ गई थी. तो वैसे तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं. बट मेरा ना हमेशा से मन था सेलिब्रेट करने का, बिकॉज मेरे को बचपन में बहुत सारे कार्टून्स देखने की आदत थी. एंड सारे कार्टून्स में वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे. एंड आई यूज़ टू आस्क माई मॉम, मम्मी हम क्यों नहीं करते क्रिसमस सेलिब्रेट, हम क्यों नहीं काटते केक और स्नोफॉल क्यों नहीं होता. बट स्नोफॉल तो हमें नहीं मिलेगा गुड़गांव में, बट we can have cake, we can have dinner, we can have a tree, we can have gifts. So hum log ja rahe hain Rutu ke liye gifts lene. So my baby is really happy. Jab se Jim Corbett gaya isse na lag gaye bahar, to he really likes outside. That's why we are taking him in the COVID time. I have to be very safe. So there's another reason why we are going to the mall today. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग, इतनी भी नहीं सेलिब्रेट करनी हमें हमने क्रिसमस. हमारी जो मशीन है, हमारा जो मैकबुक एयर है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली केपेबल ऑफ एडिटिंग वीडियोज, वो बड़े हैंग हो रहे हैं. तो इस वीक का जो वीडियो है दैट विल बी डिलेड, सॉरी अबाउट दैट. तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन अनदर लैपटॉप, वी आर buying a MacBook Pro, that is pretty expensive. So please watch my video, please subscribe and please support me. Thank you so much. So जी आज है क्रिसमस और आज हमने सोचा कि क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वैसे तो हम कभी करते नहीं है. तो आज हम गए थे क्योंकि हम गुड़गांव में रह रहे हैं, तो we went to MBS Mall और वहाँ पे इतनी भीड़, मेरी हालत खराब क्योंकि मैं अपने बेबी के साथ गई थी. देन आई वॉज लाइक कि मैं लोगों को नहीं देख रही थी, मुझे ऐसा लगा था ये भी कोविड घूम रहा है, वो भी कोविड घूम रहा है, ढेर सारे कोविड घूम रहे हैं और मैं कोविड के बीच में से निकल रही हूँ. तो वी जस्ट हैड टू रश वहाँ से, जल्दी जल्दी हम बस खाना खा के भागे हैं. देन वी वेंट टू अनदर प्लेस एंड वी बॉट दिस इज अ मैकबुक प्रो. पहले मैं बता दूँ कि मैंने ये क्यों लिया है. इसलिए लिया है बिकॉज जो मेरा पुराना लैपटॉप था मैकबुक एयर, दैट वॉज नॉट एक्चुअली केपेबल ऑफ एडिटिंग माई वीडियो. वो हैंग हो रहा था. देन वी डिड सम रिसर्च कि नो इट्स नो नॉट मेड फॉर द वीडियो एडिटिंग, फाइल्स आर हैवी. सो इस वीक का जो हमारा वीडियो है इट्स डिलेड बिकॉज ऑफ दैट. तो ये अनबॉक्सिंग मैं अभी कर रही हूँ और मेरा जो आर्ट वीडियो है दैट विल कम नेक्स्ट वीक. डोंट फॉरगेट टू सी दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू. सो हमने ये ले लिया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी हमने इसमें, 1.25 आई गेस. तो चलो खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें. जो लोग एप्पल मैकबुक प्रो की अनबॉक्सिंग का डिस्क्रिप्शन देख के ये वीडियो खोल रहे हैं, देख के देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आई एम नॉट अ टेक्निकल गुरु और एनीथिंग, आई एम जस्ट अ आर्टिस्ट एंड आई मेक आर्ट व्लॉग्स. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम मी. सो ये गया हमारा डब्बा, इसमें कुछ नहीं था. खोल दे, आई एम स्केयर्ड टू ओपन दिस. तो पहले तो हम बॉक्स देख लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है इसमें. There's some information at the back. तो ये मेरा 13 inch screen display वाला MacBook Pro है. It has 8 GB memory and 256 GB SSD. Internal memory, I guess. So
एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले है, टू टोन टेक्नोलॉजी है, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, इफ यू नो प्लीज लेट मी नो. 2560x1600 पिक्सल्स है, विच इज प्रीटी गुड. थंडरबोल्ट यूएसबी के 4 पोर्ट्स हैं इसमें, हेडफोन जैक है इसमें, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, टच बार एंड टच आईडी है, एंड इट हैज यूएसबी सी पावर अडैप्टर एंड यूएसबी सी चार्जिंग केबल. उद्घाटन किया गया जय श्री गणेश. क्रिसमस पे हमने खुद को खुद ही गिफ्ट दिया है. वी आर आर ओन सैंटा. एक्चुअली माय हस्बैंड इज माय सैंटा. थैंक यू हबी. उसके पहले हमने सिल्वर लिया था, तो वी थिंक कि कुछ चेंज कर देते हैं. एंड नाउ हैज सम मैनुअल्स. इसमें कुछ मैनुअल्स हैं, ये कुछ फैंसी स्टिकर्स हैं जो मेरे पास पहले से भी पड़े हैं, बट मैंने कभी यूज नहीं किए, तो हम साइड में रख देते हैं अभी. ये है हमारा चार्जर, टाइप सी चार्जर, यूएसबी चार्जर. लैपटॉप में हमारे पास नहीं थे. दिस इज यूएसबी चार्जर, लैपटॉप की ना फीलिंग ही अलग है. इज न्यू एंड एवरीथिंग इज स्टेनलेस, सो परफेक्ट. ये मैंने एक्चुअली अभी इंस्टॉल नहीं किया है. दिस इज हाउ इट लुक्स. So this is actually M1 processor, which is supposed to be faster than the Intel processor. तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की, उसमें हमें ये पता चला कि एप्पल जो है वो इंटेल का जो प्रोसेसर है, they will discontinue that processor. तो this is the new technology they are using. So I think it's better. The only drawback which I'm facing is that इसमें Photoshop, Lightroom ये नहीं चलेगा, तो मुझे अपना पुराना लैपटॉप पर वो काम करना होगा. बट इससे हमारा जो फाइनल कट प्रो है वीडियो एडिटिंग के लिए, जिसके लिए मैंने ये लैपटॉप लिया है, दैट विल वर्क इन दिस. सो आई एम प्रीटी हैप्पी. एप्पल के कलर्स जो होते हैं, एप्पल का डिस्प्ले जो होता है, दैट इज सुपर गुड, सुपर फैंटास्टिक. आई रियली लव इट. सो ये हमारा ये टच बार है, ये पुराने लैपटॉप में मेरे पास नहीं था. एंड दिस इज आवर, ये एक्चुअली मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये मुझे इंस्टॉल करना होगा. आई शो यू कंपैरिजन नाउ. ये मेरा नया 13 इंच प्रो है, ये मेरा 2014 का मैकबुक एयर है. दिस इज द साइज डिफरेंस. सबसे छोटा मॉडल है मेरा. एंड दिस इज माय, सॉरी इट्स डर्टी, दिस इज माय मैकबुक एयर फ्रॉम 2018. 18 में हमने लिया है, बट दिस इज 2017 मॉडल. सो दिस इज द साइज डिफरेंस वी हैव. ये एक्चुअली इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो सबसे छोटा ये है हमारा, फिर बीच में ये है, फिर हमारा ये है. तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेरी क्रिसमस।